अगली खबर आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके की, जहां पर अकेली महिला पैसेंजर देखकर रिक्शा चालक ने अश्लील हरकतें की, जिसके बाद महिला ने रिक्शा रुकवाकर अपने घर गई और दोस्तों से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद ट्विटर पर जो है उसके दोस्त ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस बात की शिकायत की। आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके की है, जहाँ पर पुलिस ने एक ऐसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो महिला पैसेंजर को अकेला गाड़ी में बैठाकर हस्तमैथुन करने लगा। पुलिस ने बताया कि बीती रात 10:30 बजे कांदिवली पश्चिम रेलवे स्टेशन से एक महिला ऑटो रिक्शा में बैठी और कुछ दूर गई तो महिला ने देखा कि रिक्शा ड्राइवर साइड के कांच में महिला को देख कर अश्लील हरकत कर रहा है, जिसके बाद महिला रिक्शा को साइड में खड़ा कराई और फिर उतर कर महिला घर जाने के बाद यह पूरी कहानी अपने एक दोस्त को बताई, जिसने यह पूरी जानकारी ट्वीट कर मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया। फिलहाल कांदिवली पुलिस ट्वीट के बाद रिक्शा ड्राइवर संदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। कांदिवली रेलवे स्टेशन से अपने घर जाते हुए युवती को जब रिक्शा से अपने घर का प्रवास कर रही थी, उसी वक्त रिक्शा चालक ने रिक्शा के आईने में पीछे देखते हुए अश्लील हरकतें की। इस हादसे से पीड़ित महिला घबरा गई और उसने अपना सफ़र आगे का रोककर तुरंत रिक्शा से उतर गई। इस बारे में जब मुंबई पुलिस को ट्विटर हैंडल के द्वारा पता चला तो कांदिवली पुलिस स्टेशन तुरंत हरकत में आ गया और इस रिक्शा चालक की छानबीन की गई और इस रिक्शा चालक को जो ऐसा अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ करता है उसे उचित गुनाह में